हेलो गाइस, क्या सच में फ्री फायर बैन हो चुके हैं? आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हो और साथ ही में बड़े यूट्यूबर का क्या रिएक्शन था फ्री फायर बैन को लेकर, मैं यहां पर इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, सो वीडियो का अंत तक जरूर से देखना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। सो मैंने इस वीडियो पर डिटेल में समझा दिया था कि क्यों गेम ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पेज में जाकर देख सकते हो। और मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पर मैंने सॉल्यूशन बताया था कि आप लोग कैसे गेम को ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। सो अभी आते हैं न्यूज़ पे। सो काफी सारे यूट्यूबर ये किए इसी मैटर के ऊपर। सबसे पहले देसी गेमर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किए जहां पर वो लिखे, फ्री फायर इज नॉट ओपनिंग, रिमूव्ड फ्रॉम एप स्टोर, ये क्या हो रहा है, माइनक्राफ्ट फॉलो, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर फ्री फायर को टैग करते हुए अपने इंस्टा स्टोरी पर ये शेयर किए, प्ले स्टोर से भी गया, क्या हो रहा है ये। फिर बॉस ऑफिसर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहे, फ्री फायर बैन। तो सबसे पहली चीज है, पबजी वैसे फ्री फायर का जो लॉ सूट था तो हाँ उसके अंदर क्या था कि पबजी ने केस कर दिया फ्री फायर पे कि उनकी चीजें यूज कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने एप्पल पे भी केस करा था, एप्पल ऐप स्टोर पे एंड गूगल प्ले स्टोर पे। तो अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि एप्पल ने और गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया फ्री फायर को, क्योंकि ये इन दोनों के मामले में नहीं पढ़ना चाह रहे, मतलब पबजी और फ्री फायर के मामले में नहीं पढ़ना चाह रहे। जब तक कि केस सॉल्व नहीं होता वो लोग हटा दे रहे हैं ऐसा। अभी जो नया अपडेट आया था फ्री फायर का वो था फ्री फायर इल्यूमिनेट। अब तुमको पता होगा इल्यूमिनेट ये सब मतलब थोड़ी सी अलग टाइप की चीज है जिसको आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, तो मे भी इसके वजह से हटाओ या फिर बहुत से रीजन है। एयरटेल से जब मैंने चैट करा था तो ये चीज उधर लिख के आया, एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव मल्टीपल्स ऐप लाइक पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक, सेरेट एंड वी चैट हैज बीन ब्लॉक्ड। मतलब कि ऐसा कुछ आया है ये भी जो है ना ये एयरटेल की तरफ से। तो भाई हर जगह से अलग अलग चीजें बताई जा रही है। देखो इसको भी हम गलत नहीं मान सकते क्योंकि एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी तो है नहीं जिसको हम गलत मान लें। अगर फिर स्काईलॉर्ड भी रिएक्ट किए, सो आप लोग देखो स्काईलॉर्ड ने क्या कहा। अब देखो यहां पे मेरा ओपिनियन एकदम सिंपल क्लियर कट है कि मान के चलो किसी गेम को अगर बैन करना है तो उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट की परमिशन, और अगर गवर्नमेंट ने बैन किया होता तो मोदी जी कल रात को 9 बजे लाइव आके पूरी कहानी सुना देते कि भाई हमने इसलिए बैन करा और इस वजह से बैन किया और हम अनबैन नहीं करेंगे, तुम जो करना है कर लो। और मोदी जी ऑनलाइन नहीं आए थे और उन लोगों ने बताया भी नहीं था, ना कुछ ना किसी गवर्नमेंट ना किसी न्यूज चैनल ऑफिशियल न्यूज चैनल तुमको कहीं भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा जहां पर ये लिखा हो कि फ्री फायर बैन हो गई। गवर्नमेंट की साइड से चिल मार के बैठ जाओ कि फ्री फायर अभी बैन नहीं है। अब बात करते हैं क्राफ्टनवा की। अब देखो क्राफ्टन का ऐसा है, क्राफ्टन ने जब लॉ सूट फाइल किया था, जब वो कोर्ट में जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसने कितना ढिंढोरा पीटा था। नहीं तुम देख नहीं रहे हर जगह कहीं वो लॉ सूट का वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं वो लॉ सूट ही पूरा वायरल हो जा रहा है। मैंने ये किया, देखो आई एम ग्रेट, मैंने गरीना के लौड़े लगवा दिए, ऐसे बोलता क्राफ्टन आके, वो भी ओपनली बोलते हाँ भाई प्ले स्टोर ऐप स्टोर कितना पैसा चाहिए तुमको बताओ, नंबर लो ये खाली चेक लो और इस पे पैसा भरो। कल सीन ऐसा हो रहा था कि प्ले स्टोर ऐप स्टोर से फ्री फायर को रिमूव किया लेकिन फ्री फायर मैक्स को नहीं किया। क्या आपको पता है कि फ्री फायर मैक्स एक्चुअली रिमूव क्यों नहीं हुआ? आंसर मैं आपको देता हूं। फ्री फायर जो गरीना फ्री फायर था उसके बाद एक वर्ड था इल्यूमिनेट, ये जो वर्ड है इल्यूमिनाटी से इंस्पायर्ड है, ऐसे ही कुछ होता है। एंड ये चीज है ये एक्चुअली कोई रीजन के बेस पे होता है, मतलब जो रिलीजियस होता है ना, रिलीजन कहते हैं उसे, वो किसी चीज के लिए अपमान होता है। जिस बंदे को पता है इल्यूमिनाटी मतलब क्या होता है उनको पता होगा, तो ये जो इल्यूमिनेट वर्ड है इल्यूमिनाटी वर्ड से इंस्पायर था। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है गरीना फ्री फायर को गरीना फ्री फायर इल्यूमिनेट को चेंज करके कुछ और रखना हो, इसलिए उन्होंने नेम चेंज के द्वारा काफी सारे में ब्रेकडाउन किए हैं। हो सकता है इस वजह से ग्लिच के चलते फ्री फायर ऐप स्टोर और हो गया प्ले स्टोर से गायब। आपको एक और चीज बता देता हूँ, हमारे गेम में एक इवेंट आया था जो कि कुछ फ्री टाइप का इवेंट था, एंड ये वाला इवेंट एक्चुअली क्रेज, देखो 87 की स्किन फ्री मिल रही है, गोल्ड में स्पिन करना है तो फ्री मिल रही है, प्लस काफी सारी स्किन्स है, तो वहाँ पे काफी सारे बंदों ने एक साथ इवेंट में लॉग इन कर लिया और भाई स्पिन पे स्पिन करे जा रहे हैं, फ्री का आइटम है कौन छोड़ेगा जो बना देख रहा है, स्पिन की जा रहे हैं, उस वजह से पड़ गया सर्वर पे लोड, सर्वर पे लोड बढ़ा, इसमें वहाँ पे कनेक्शन इरर आ था काफी सारे लोगों को। नोटिस किया आपने, कलेक्शन इरर सबका नहीं आ रहा था, किसी कुछ लोगों का आ रहा था क्योंकि भाई सर्वर में लोड पड़ रहा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।